समायरा और आयन का असिस्टेंट बस आयन का हॉल में इंतजार कर रहे थे। समायरा ने जब आयन को हॉल में आते देखा तो वो कुछ पल उसे गौर से देखती रही, फिर भागकर उसके गले लग गई। आयन इसके लिए अभी तो बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर कुछ पल बाद खोली और एक नज़र अपने असिस्टेंट पर डाली तो वो अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। ऐसा लगा जैसे आयन ने उसे कुछ इशारा किया हो और वो उसे समझकर वहां से चला भी गया हो। खैर, जो भी हो, वो अब वहां से जा चुका था। हॉल में एकदम शांति पसरी हुई थी। समायरा आयन के गले लगे अपने डर को कम करने की कोशिश कर रही थी। आयन ने समायरा से कहा, समायरा, मुझे लगता है आज तुम्हें ऑफिस जाकर आना चाहिए। समायरा आयन की बात सुन उसे देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे भगा रही हो? आयन बोला, नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारा काम ठीक से करवा रहा हूँ। अब अगर हम दोनों ही इसी तरह यहाँ रहे तो ऑफिस कौन संभालेगा? समायरा बिना किसी भाव के बोली, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तब भी ऑफिस चल ही रहा था, और आप तो कभी ऑफिस जाते ही नहीं थे। आयन बोला, तब मुझ पर कंपनी संभालने की जिम्मेदारी थी और मैंने वो बेहतर तरीके से पूरी की। अब तुम्हारी बारी है, जाकर कंपनी को देखो, क्योंकि तुम अभी घर बैठकर ऑफिस संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। समायरा आयन की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करके बोली, आप क्यों मुझसे अपने एहसासों को छुपाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि मैं हमेशा आपके साथ चलूं, आपको समझूं, आपके मन में उठते सभी सवालों को सुन सकूं? आयन समायरा की बात सुन एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि यही सच था। वो अभी अपने एहसासों को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन किसी के सामने नहीं, बल्कि अपने उस अंधेरे कमरे में जहां उसे देखने वाला कोई नहीं होगा और वो अपने एहसासों को बेफिक्र होकर बाहर आने देगा। आयन अब सख्त होकर बोला, समायरा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। इतना कह वो आगे ही बढ़ा था कि तभी समायरा ने उसके हाथों को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या कहा तान्या की मम्मी ने आपसे? समायरा इतना तो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ था वो सब तान्या की मम्मी से मिलने के बाद से ही हुआ था। अब समायरा को सारा सच जानना था कि उस कमरे में ऐसा भी क्या हुआ, क्योंकि हॉल तक बस इतना ही समझ आ रहा था कि आयन गुस्से में था, लेकिन उनके बीच क्या बात हुई ये साफ सुन पाना काफी मुश्किल था। आयन अपना हाथ समायरा के हाथ से हटाकर बोला, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे सवाल करे। सवाल करना और दूसरों से उनका जवाब लेना, बस यही आता है मुझे। तो बेहतर होगा कि अगली बार तुम ये गलती से भी वापस नहीं दोहराओगी। इतना कह आयन वहाँ से चला गया। समायरा अपने खाली हाथ को देखती रही। उसने आयन को जाते देख अपने आप से कहा, आपको बोलना सीखना होगा। जैसे आपको अपने सवाल का जवाब जानना जरूरी होता है, वैसे ही हर किसी को आपसे हर सवाल के जवाब की उम्मीद होती है। और देखना, आप बहुत जल्द जवाब देना भी सीख जाएंगे, और आपको अपने उन एहसासों को भी बताना सीखना होगा जो आप कभी किसी के सामने नहीं आने देना चाहते। इतना कह वो कुछ सोच तान्या की मम्मी के रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं आयन अपने कमरे में चला गया, जहां हमेशा की तरह चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और उसकी हरी आंखें वो उस अंधेरे को चीरते हुए एक नए उजाले को खोज रही थी। आयन ने काफी समय सामने देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में बार बार माधुरी जी की कही बातें ही चल रही थी। असल में जब आयन ने पहली बार तान्या की मम्मी को देखा तो उसके मन में भी यही आया कि कहीं उसकी राजकुमारी तान्या तो नहीं, लेकिन जब माधुरी काकी ने कहा कि वो उसे खो चुकी है तो आयन को लगा कि नहीं, तान्या उसकी राजकुमारी नहीं हो सकती थी, बल्कि माधुरी काकी ने अपनी बेटी तान्या के लिए उसकी राजकुमारी को जान कर गुम कर दिया हो। पर जब काकी ने ही कहा कि वो उसकी बहन उसकी राजकुमारी है, ये जानकर उसे अच्छा लगा। लेकिन तान्या की हालत देखकर उसे उसके साथ हुई बदतमीजी और उसे मिला हर दर्द याद आ गया। कि ये सब सोचते हुए आयन को बार बार तान्या का अपनी राजकुमारी होना कचोट रहा था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि कैसे उसके होते हुए उसकी राजकुमारी पर इतनी सारी परेशानी आ सकती थी, कैसे एक ही शहर में होने के बाद भी वो उस तक समय पर नहीं पहुंच सका। अगर वो उसे सही समय पर पहचान लेता तो वो आज मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके साथ आने वाले सालों में रहती। लेकिन अब जब वो तान्या के बारे में सोच रहा था, तब तब उसे उन अहवानों को मारने का मन करने लगा। उसे अब बस किसी भी हाल में उन तीनों को पकड़ना था। उसने सोच लिया था कि उसे अब आगे क्या और कैसे करना था। वो अपनी बंद आंखों से ही बोला, मीटिंग फिक्स करो अंकित के साथ। अब इसे पता चलना चाहिए कि इसने और इसके सभी दोस्तों ने किसकी बहन पर नजरें और हाथ उठाने की कोशिश की थी। जरा इन्हें भी तो पता चले कि इनकी मौत अब बहुत ज्यादा नजदीक है। ये सब आयन ने गुस्से में अपने हर शब्द को चबाते हुए कहा था। आयन के कहने के बाद उस कमरे में खड़ा उसका असिस्टेंट डरते हुए बोला, अब सर, जिन सर के बॉडीगार्ड ने आपकी राजकुमारी को आप तक पहुंचाया था, उन्होंने आज ही सुबह आपके लिए एक मेल भेजा था। आयन अपनी हरी आंखें खोलकर अपने असिस्टेंट को घूरते हुए बोला, मैं मेल बाद में देख लूंगा, तुम मेरे काम की तैयारी करो। इतना कह वो वापस आंखें बंद करने वाला था कि तभी कुछ सोच एकाएक बोला, क्या लिखा था मेल में? क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुमने वो मेल रीड कर लिया होगा और जरूर वो इन सब से जुड़ा हुआ है।
तो बताओ क्या है मेल में? असिस्टेंट बोला, सर मेल में लिखा है कि जब आप सारा सच जान ही चुके हैं तो और 2-3 दिन शांत रह लीजिए, क्योंकि वो आपके साथ 3 दिन बाद मीटिंग करेंगे और तब तक वो उम्मीद करते हैं कि आप अंकित से तान्या को बचा कर रखें। असिस्टेंट की बात सुन आयन की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने सोचते हुए कहा, मतलब ये जानता था कि मेरी बहन कौन है और उसके साथ क्या क्या होने वाला था। तुम हो सके तो इसके साथ जल्द ही मीटिंग फिक्स करो। मुझे जानना है कि इसने मेरी बहन के साथ इतना सब क्यों होने दिया। क्यों नहीं उसे पहले ही बचाकर मेरे पास भेज दिया और क्यों नहीं मुझे बताया कि ये मेरी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं अब तक अपने आप सब कुछ संभाल लेता। असिस्टेंट चुप ही रहा क्योंकि यही सवाल तो उसके मन में भी था, लेकिन जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। वो लगातार आयन को ही देख रहा था जो गुस्से में वहाँ टेबल पर रखी हर चीज को अब तक तोड़ चुका था। आयन काफी कुछ तोड़ने के बाद अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस अंकित के बारे में सब कुछ जानना है और इसके पीछे एक आदमी को लगा दो। मुझे इसके पल पल की खबर चाहिए क्योंकि 3 दिन के बाद मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट अपने बॉस की बात सुन रूम से निकल गया। अब कमरे में बस आयन अकेला ही बैठा था। उसके मन में कई सारे सवाल थे लेकिन जवाब उसका कोई अता पता ही नहीं था। वो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अपनी प्यारी सी छोटी राजकुमारी की यादों में चला गया, जिसे याद कर उसके चेहरे पर एकाएक मुस्कान खिल चुकी थी। एक 10 साल का लड़का छोटी सी बच्ची के पास बैठा उसे ही निहार रहा था और वो लड़की अपनी छोटी छोटी उंगलियों को अपने मुंह में डाले बैठी थी। लड़के ने उसे प्यार से अपने पास करते हुए उसकी सारी उंगलियों को उसके मुंह से बाहर निकाल दिया और उसे देखने लगा। लड़की ने लड़के को देख मुंह बना लिया, जैसे जता रही हो कि उसकी उंगलियों को बाहर निकालना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लड़के ने उस बच्ची के गालों पर अपने दोनों हथेली से बार बार धीरे धीरे छुआ तो वो लड़की खिलखिला पड़ी और साथ ही वो लड़का भी। वहीं असिस्टेंट कमरे से बाहर निकलते हुए सुबह के बारे में सोच रहा था जब उसके पास मेल आया। फ्लैशबैक। असिस्टेंट को आज सुबह ही तान्या के माता पिता को विला में लेकर आना था, जिसके चलते वो विला से चला गया और कुछ समय बाद वो तान्या के घर के सामने खड़ा था, जो ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा। असिस्टेंट जैसे ही अंदर आया उसे एक आदमी बैठे अखबार पढ़ते हुए मिला। उसे देख वो समझ गया कि यही तान्या के पापा होंगे। असिस्टेंट उनके सामने आते हुए बोला, क्या आप तान्या के पिता हैं? सामने बैठा इंसान जल्दी से खड़ा हो गया। वहीं असिस्टेंट की आवाज सुन माधुरी जी भी बाहर आ गई। उन्होंने असिस्टेंट को अपने सामने करते हुए कहा, आप कौन हैं और क्यों मेरी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं? माधुरी जी को देख एक पल के लिए असिस्टेंट चौंक गया और उसके मन में बैठा शक अब काफी हद तक पक्का हो चुका था कि तान्या ही उसके बॉस की राजकुमारी है, जिसे वो ना जाने कितने सालों से ढूंढ रहे थे। असिस्टेंट माधुरी जी से बोला, जी मैं मिस्टर गिल का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मैं बस आप दोनों को उनके पास ले जाने आया था, उन्होंने आपको मिलने बुलाया है। असिस्टेंट की बात सुन माधुरी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके चेहरे पर डर भी झलकने लगा था, लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद थी कि अगर वो मिस्टर गिल के पास जाती हैं तो जरूर उन्हें उनकी बेटी कुछ ही घंटों में मिल जाएगी, क्योंकि वो पुलिस के बदले खुद उसे ढूंढने में अपनी सारी ताकत लगा देंगे। ये ख्याल आते ही माधुरी जी एक डर के साथ असिस्टेंट को देखने लगी, फिर कुछ पल बाद बोली, चलिए हम तैयार हैं मिस्टर गिल से मिलने के लिए। असिस्टेंट तान्या के माता पिता को अपने साथ वहां से लेकर विला आ गया। तभी इसी बीच उसके पास एक मैसेज आया जिसमें साफ लिखा था कि जो अभी अभी मेल तुम्हें मिला है उसे पढ़कर ही आगे कोई कदम उठाना। मैसेज पढ़कर असिस्टेंट हैरान रह गया। कुछ ही पल बाद वो तीनों विला के सामने खड़े थे। असिस्टेंट ने उन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर आयन को मैसेज दिया और खुद उस मेल को ओपन करके पढ़ने लगा। मेल, जानता हूँ तुम सच तक पहुँचने में काफी लेट हो चुके हो, अब जब अपनी राजकुमारी को पहचान ही लिया है तो थोड़ा और सब्र करना। जब तक मैं तुमसे एक मुलाकात नहीं कर लेता तब तक तुम अपना समय अपनी बहन के साथ बिताओ। आगे क्या करना है वो मैं आकर तुम्हें बता दूंगा। 3 दिन बाद हमारी मीटिंग होगी, लेकिन तब तक तुम तान्या को अंकित से बचा कर रखना। असिस्टेंट ने मेल पढ़ा और इसी बीच सोच में पड़ गया कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। फ्लैशबैक एंड। वहीं तान्या के पापा के कमरे में दोनों बॉडीगार्ड ने उन्हें अच्छे से चेक किया तो उनके कपड़े में एक बटन कैमरा मिला, जिसे देख उन्होंने उसे लेकर तोड़ दिया और उसे उस कमरे में बांध दिया। दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, सही कह रहे थे बॉस, कुछ तो होगा इस आदमी के पास जो गलत है। तभी पहला बॉडीगार्ड बोला, और नहीं तो क्या, तभी तो हमें उस आदमी के पास कैमरा मिला, वरना कौन आदमी अपनी बेटी की चिंता में ये सब सोच कर आता है। दूसरा बोला, सही बोल रहे हो, चलो बॉस को ये सब देकर सब बता देते हैं तो बाकी की बातें बॉस संभाल लेंगे। इतना कह वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। वहीं कमरे में तान्या के पापा खड़े अपने सभी फटे हुए कपड़ों को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई उन्हें अपने घर बुलाकर इस तरह उनकी ही छानबीन करेगा। उन्होंने ये सब बस अपनी और अपनी पत्नी की सेफ्टी के लिए किया था। उन्हें याद आया कि कैसे जब वो असिस्टेंट उन्हें लेने आया था तो वो कपड़े बदलने के बहाने अपने कमरे में जाकर इस बारे में अपने बेटे को सब बता चुके थे।
और उनके बेटे ने ही तो उन्हें कहा था कि वो उसके कमरे में रखे बटन कैमरे में से एक लगाकर चले जाए, और जब जब कोई उसके आसपास हो तो वो बिना देरी किए उस बटन पर एक टैप कर रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। कौन है वो इंसान जिसकी बात आयन मेल के जरिए भी इतनी आसानी से मान गया? क्या सच में वो इंसान तान्या को इन सब घटना से पहले ही बचा सकता था? क्या समायरा तान्या और आयन के खून के रिश्ते का सच जान पाएगी? क्या अंकित खेल शुरू होने से पहले ही अपने आप को मोहरा बनने से रोक लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरी हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे भारती के साथ। समायरा माधुरी जी के कमरे में चली गई, जहां वो उदास होकर बैठी थी। समायरा ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें बिना सोए एकदम सूज चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दिनों से सोने के साथ साथ काफी टाइम से बस लगातार रो रही थी। खैर, आंखों में आंसू तो उनके अभी भी तैर ही रहे थे। समायरा उन्हें काफी देर देखने के बाद उनके पास पानी का गिलास करके बोली, शांत हो जाइए आंटी, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप बस अपनी हिम्मत बनाए रखिए। माधुरी जी लगातार अब भी रोई जा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, ना जाने वो किस हालत में होगी, ना जाने वो किसके साथ किस जगह पर होगी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। माधुरी जी समायरा को सामने देख अपना दर्द बयान करते हुए रो पड़ी। समायरा ने उनकी बात सुनकर बेध्यानी में कहा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? वो यहीं एकदम सही सलामत है, बस इस समय आराम कर रही है। उसे जैसे ही होश आएगा मैं आपको उससे मिलवा दूंगी, या वो खुद आपको यहाँ पाकर आपके पास दौड़ी चली आएगी, लेकिन आप शांत हो जाइए। समायरा की बात सुन माधुरी जी उसके हाथों को पकड़ कर बोली, क्या सच में आयन बाबा ने तान्या को ढूंढ लिया है? कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे उससे मिलने दीजिए एक बार, मैं मेरी बच्ची को एक बार गले लगाकर देखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दीजिए। समायरा माधुरी जी की बात और जिद देख कहीं होश में आई कि उसने बातों ही बातों में ना जाने कितना कुछ उन्हें बता दिया, जो कि अब तक मिस्टर आयन खुद उनसे छुपाकर यहां से गए थे। खैर, उसने अब बोल दिया था तो उसे अब मिलवाना भी जरूरी हो चुका था। वैसे भी समायरा ने तान्या को अपनी मम्मी के लिए रोते हुए देखा था, और अब जब वो उसकी मम्मी को उससे मिलवा देगी तो ना जाने तान्या के चेहरे पर कितनी ज्यादा खुशी और कितने ही भाव उसके चेहरे पर नजर आएंगे, और उसका चेहरा वो तो एक अलग ही चमक से खिल उठेगा। समायरा ने कुछ सोचते हुए कहा, अब देखिए, क्या आप अभी मिलना चाहती हैं तान्या से? माधुरी जी नम आंखों जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाकर मिलने के लिए बोल रही थी। समायरा ने फिर कहा, मैं बस आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप अगर अभी तान्या से मिलने गई तो हो सकता है कि वो अभी होश में ना हो, वो आराम कर रही हो, तो आपका उससे मिलना बेकार हो जाएगा, अब समझ रही है ना आप? माधुरी जी बोली, तुम मुझे बस मेरी बच्ची के पास ले चलो, अगर वो सो भी रही होगी तब भी मुझे उससे मिलने दो, मेरा कलेजा उसे सीने से लगाने के लिए तड़प रहा है, मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बस उसे दूर से ही देख लूंगी जिससे मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। समायरा को अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था, ये ममता प्रेम उसके लिए काफी अलग था, क्योंकि उसकी मम्मी ने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया। जितने समय भी वो जिंदा थी उनमें उसने कभी उसे महसूस ही नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी उसे अपने आसपास आने दिया। समायरा अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाए अपने में ही उलझ चुकी थी। उसे इस समय माधुरी जी के अंदर एक अच्छी माँ नजर आ रही थी, जो अपनी बच्ची से बस 2 दिन दूर रहने पर इतना ज्यादा तड़प उठी थी। उसने तो कभी अपनी मम्मी को अपने लिए रोते महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि अगर वो कमरे में अनजाने में कभी जाती भी थी तो वो उससे अपनी नजरें तक फेर कर लेटी रहती थी। ये सब याद करते हुए समायरा की आंखों में नमी तैर चुकी थी। उसने सामने देखा तो उसे ध्यान आया कि वो ये सब सोचते हुए तान्या के कमरे के सामने पहुंच गई। उसने अपनी नमी को अपनी आंखों में ही दबाकर दरवाजा खोला तो तान्या ऊपर वाली सीलिंग को एकटक निहार रही थी। माधुरी जी तान्या को देख भाग कर कमरे के अंदर चली गई। समायरा एकटक माधुरी जी और तान्या को देखने लगी। समायरा को लगा था कि तान्या खुश होगी, लेकिन वो तो एकदम शांत लेटी थी। माधुरी जी ने उसके हाथों को छू कर देखते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? अब कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुझे ऐसे देख कलेजे को ना जाने कितनी शांति मिल रही है, मेरी बच्ची। इतना कहते हुए माधुरी जी तान्या को छूने के बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बार बार उसके माथे को चूम कर ना जाने कितने ही सवाल एक के बाद एक उससे किए जा रही थी, लेकिन तान्या वो तो कोई मूर्ति बन चुकी थी। समायरा को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि कैसे तान्या कुछ समय पहले हॉल में अपनी मम्मी का इंतजार करते हुए कितनी खुश नजर आ रही थी, और अब जब उसकी मम्मी उसके सामने है तो वो कुछ बोल ही नहीं रही। माधुरी जी अपनी बेटी को प्यार कर रही थी और तान्या वो तो अपनी ही सोच में डूबी जा रही थी। उसके मन में इतना कुछ चल रहा था कि वो अपनी मम्मी के प्यार को भी अपना नहीं पा रही थी। उसे अब एक अजीब सा गैरपन महसूस हो रहा था,
ये क्यों था वो तो अब तान्या ही बता सकती थी। माधुरी जी ने जब काफी समय तक अपनी बेटी से शिकायत, परवाह, प्यार, डांटना सब भाव को एक साथ उसके साथ साझा कर लिया, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा। तो ये देख वो रोते हुए बोली, तान्या तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हें सुनने के लिए मैं तड़प गई हूँ। बस एक बार मम्मी बोलकर मेरे गले से लग जा मेरी बच्ची, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। तान्या माधुरी जी को गौर से देखने लगी। उनका चेहरा इस समय काफी थका और सूजा हुआ था, जिससे ये तो साफ पता चल रहा था कि उन्होंने काफी टाइम जग कर और रोते हुए निकाले होंगे। तान्या उन्हें गौर से देखने लगी। उसी बीच उसकी दोनों आंखों से आंसू गणपति को भिगोकर बालों में छुप गए, लेकिन उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। समायरा जल्दी से तान्या के पास आकर उसे चेक करने लगी। उसे लगा शायद इस बार बेहोश होने पर उसे किसी चीज का सदमा लगा हो और वो इसलिए अब किसी तरह से रिएक्ट ना कर पा रही हो, या हो सकता है कि उसे बोला ना जा रहा हो, या वो कुछ सुन ना पा रही हो। समायरा ना जाने क्या क्या सोचते हुए तान्या को चेक किए जा रही थी। माधुरी जी तान्या के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, बेटा एक बार मम्मी तो बोल दे मुझे। इतना कहते हुए वो उसके हाथ पर ही अपना सर टिकाकर रोने लगी। तान्या जो अब तक शांत थी, उसने अपने आप को कुछ पल शांत रखा, फिर तर्क भरे लहजे में बोली, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ मम्मा? तान्या का ऐसे बोलना समायरा को अजीब लगा, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि तान्या एकदम पहले की तरह सही सलामत है। वो दोनों माँ बेटी से दूर जाकर खड़ी हो गई। वो अभी तान्या को कुछ नहीं बोल सकती थी, हालांकि वो जानना चाहती थी कि अब तान्या ऐसी बातें क्यों कर रही है। सुबह तो वो उनके इंतजार में रो पड़ी थी, और अब जब वो उसके सामने है तो वो सुबह जैसी चमक उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तान्या को अब फर्क ही नहीं पड़ रहा हो उनके यहाँ होने या ना होने से। माधुरी जी तान्या की आवाज़ सुन फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने तान्या की बात को नजरअंदाज कर उसे अपने गले लगाकर थोड़ा डांटते हुए कहा, अगर ऐसी बातें फिर कभी की ना तो इस बार थप्पड़ मार दूंगी। और ये क्या कह रही है इतने समय से? मेरा तो दिल टूट ही चुका था कि कहीं मेरी बेटी की आवाज तो नहीं चली गई या तुझे कुछ हो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया। अब तुझे देख दिल को ठंडक मिल गई। चल अब तू सही से बैठ जा, मैं तेरे पापा को बुलाकर लाती हूँ, वो भी यहाँ मेरे साथ ही आए हैं। तुझे देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और फिर तेरा भाई, उसे भी तो कॉल करना है, वो बेचारा भी ना जाने कितने समय से शांति से नहीं बैठा। अब चल मैं इन दोनों को बताकर आती हूँ। हाँ, इतना सब कहते हुए माधुरी जी वहाँ से जाने को हुई ही थी कि तान्या की आवाज़ से वो वहीं जम सी गई। तान्या बोली, क्या आपको लगता है कि मेरे ठीक होने पर यकीनन आपके पति और आपके पति के बेटे को फर्क पड़ता होगा? समायरा साइड में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अब उसे एहसास हो चुका था कि कुछ तो है जो तान्या को परेशान कर रहा है, और वो तान्या की मम्मी माधुरी जी से ही जुड़ा हुआ है। कहीं आयन ये सब जानने के बाद ही तो ऐसे गुस्से में नहीं गया था। अब समायरा को भी जानना था कि ऐसा क्या था जो तान्या जान गई थी। तान्या की ऐसी बात सुन माधुरी जी उसकी तरफ पलटते हुए बोली, तुम क्या बोल रही हो? वो दोनों तुम्हारा परिवार है, एक भाई है और एक पिता है, तो तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? तान्या बिना किसी भाव से बोली, मैं नहीं मानती ऐसे रिश्तों को जहाँ से मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं, हर किसी ने मुझे धोखा और दर्द ही दिया है। माधुरी जी तान्या के सर को छूते हुए बोली, लगता है शायद तू भूल रही है कि तेरे लिए अब तक तेरे भाई और पापा ने क्या क्या किया है। जानती है ना, उन्होंने हमें छत दी है, मुझ जैसी बिन शादी हुई माँ बनी लड़की का हाथ थामा है, तो तू उनके लिए ऐसा कैसे बोल सकती है? तान्या भावहीन सी बोली, हाँ देखा मैंने कि कैसे उन दोनों ने मेरे लिए सब कुछ किया है, और आपने भी तो ना जाने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन आप नहीं जानती हैं कि आपके पति को तो मुझसे कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। अगर उन्हें कुछ याद था तो बस अपना बेटा और अपनी पत्नी, यानी कि आप। मैं कहाँ थी वहाँ, बस एक कोने में पड़ी रहती थी जहाँ मुझे खाने को दे दिया जाता था, वो भी सही टाइम पर। लेकिन आप नहीं जानती हैं कि आपके पति का बेटा वो तो मुझसे अब तक के पैसे तक वसूल करने वाला था। जानती हैं कैसे? मुझे बाजार में उतार कर मेरी इज्जत को नीलाम करके वो मुझ पर लगे अब तक के सारे पैसे वापस हासिल करना चाहता था। माधुरी जी जो अब तक तान्या की बात सुन रही थी, उन्होंने खींच कर तान्या के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। उन्होंने उससे कहा, मैं नहीं जानती कि तुझे क्या पता है क्या नहीं, लेकिन तू ऐसे एक ही झटके में उन दोनों के लिए इतना बुरा कैसे बोल सकती है? तू भूल सकती है कि कैसे दोनों ने तुझे संभाला है, लेकिन मैं नहीं। और ये क्या लगा रखा है, मेरा पति और मेरे पति का बेटा दोनों तेरे भी कुछ लगते हैं, समझी? तान्या अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, मेरे वो दोनों कोई नहीं लगते हैं, कोई नहीं, और शायद आज के बाद आप भी। और हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझ पर बीता है सब कुछ, लेकिन आप तो मेरी माँ थी ना, तो आप क्यों नहीं समझी मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों कुछ टाइम से ऐसी हो चुकी हूँ? क्यों मैं अचानक से शांत हो गई? क्यों आपने कभी ये सब जानने की कोशिश नहीं की? माँ बताती है ना आप मुझे अपनी,
तो क्यों आपको मुझे वैसे देख कोई ऐसा विचार नहीं आया जो एक माँ बिना बच्चे के कहे समझ जाया करती थी। सच तो ये है कि उस घर ने मुझे साइड में करते करते आपने भी मुझे साइड ही कर दिया। खैर आप जाइए अब यहाँ से, मुझे आराम करना है। माधुरी जी अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, ठीक है चलो हम अभी घर चलते हैं, तुम वहां चलकर जितना आराम करना चाहती हो कर सकती हो। मैं घर चलकर तुम्हारे सामने ही दोनों से बात करूंगी। अगर तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं खुद उन्हें सजा दूंगी। लेकिन अब तुम मेरे साथ यहाँ से चल रही हो। सही कहते हैं लोग, जब हैसियत से ज्यादा हमें दिखने लगता है और मिलने लगता है तो हम अपनी उन जड़ों को भूल जाते हैं जहाँ से हमने अपना सफर शुरू किया था। खैर मैं तुमसे अब कुछ नहीं बोलना चाहती, अब जो बात होगी वो पूरे परिवार के सामने होगी, चलो यहाँ से। माधुरी जी इतना कहते हुए तान्या के हाथ को पकड़ आगे बढ़ी ही थी कि तभी समायरा आगे आकर बोली, आप ऐसे तान्या को बिना मिस्टर गिल की परमिशन के यहाँ से नहीं ले जा सकती, आपको पहले उनसे बात करनी चाहिए। माधुरी जी समायरा को देख बोली, ये मेरी बेटी है, इसे ले जाना या ना ले जाना ये मेरा फैसला होगा, और बोल दो आयन बाबा को कि वो तान्या को यहाँ नहीं रोक सकते। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि उनके कदम एकाएक रुक गए। क्या तान्या सच जान चुकी है कि वो माधुरी जी अपने बेटे पर यकीन नहीं कर रही है? क्या माधुरी जी तान्या को घर ले जा पाएंगी? क्या ऐसा कोई राज है जो अब बाहर आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरी हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे भारती के साथ। माधुरी जी के जवाब को सुन समायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस किसी भी तरह तान्या को उनके साथ यहाँ से जाने से रोकना चाहती थी। समायरा कुछ करती उससे पहले ही तान्या ने अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ा कर कहा, आप मेरी मम्मी नहीं है तो बेहतर होगा आप मुझे अकेला छोड़ दे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। तान्या की बात सुन माधुरी जी के पैर वहीं रुक चुके थे। वहीं समायरा ये बात सुनकर चौंक गई। वो हैरानी के साथ कभी तान्या को देखती तो कभी माधुरी जी को, ये उसके लिए बिल्कुल नया था। माधुरी जी ने तान्या की बात को सुनने के बाद थोड़ा सख्त होकर कहा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ या नहीं ये तो तुमने जान लिया, लेकिन तुम मेरी हो ये बात तुम अपने मन में गांठ बांध कर बैठ जाओ, और अब चलो यहाँ से। तान्या ने पीछे होते हुए कहा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मतलब नहीं जाना चाहती। माधुरी जी गुस्से में बोली, मैं नहीं जानती हूँ आयन बाबा ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है क्या नहीं, लेकिन सच कुछ भी हो तुम्हें अंत में मेरे साथ ही रहना होगा। अगर तुमने अभी मेरे साथ यहाँ से जाने का तय नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी वजह से तुम्हारे आयन बाबा पर मुसीबत आ जाएगी। मैं पुलिस में बोल दूंगी कि उसने तुम्हें किडनैप किया, और साथ ही तुम विक्रम राठौर को भी जानती हो ना, तो उनके बीच और तुम्हारे भाई के बीच ये युद्ध हो जाएगा जिसमें यकीनन जीत तो तुम जानती हो किसकी होगी। तो अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम चल रही हो मेरे साथ, मतलब चल रही हो अभी। समायरा इतनी बड़ी बात सुन हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि तान्या ही वो लड़की होगी जिसे आयन कब से ढूंढ रहा था, तो इसका मतलब वो माधुरी जी से इसलिए इतना गुस्सा हुआ था। लेकिन फिर उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई, और तान्या वो ये सब कैसे जानती है, क्या खुद आयन ने आकर सब बताया उसे? हो क्या रहा था समायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ चीजों के जवाब सॉल्व होते हैं तो उसके मन में नए बहुत सारे सवाल वापस उठने लगते हैं। वो इन सभी को बाद में सोचने का सोच सामने देखने लगी। तान्या माधुरी जी की बात सुन रोते हुए बोली, आप तो मेरी मम्मी थी ना, तो आप ही मुझे अब दर्द दे रही हैं। अब तो सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप अच्छी हैं या बुरी, या आपने जो अब तक मेरे सामने किया वो सब दिखावा था। मुझे नहीं पता आप मेरे भाई के साथ खुश नहीं होने देंगी, और मैं मेरे भाई के साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ नहीं, समझी आप, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। तान्या इतना कहते हुए लगातार रो रही थी। माधुरी जी तान्या के पास आकर बोली, तुम मेरे साथ ही रहोगी क्योंकि तुम्हें इतने सालों तक मैंने पाला है, तुम पर तुम्हारा हक भी इतना नहीं है जितना मेरा है, समझी, तुम बच्ची हो बच्ची बनकर रहो, और अब चलो यहाँ से। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर निकालने लगी। समायरा माधुरी जी के सामने आकर बोली, वो जब आपके साथ जाना ही नहीं चाहती तो फिर आप उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। माधुरी जी अब तक काफी गुस्से में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अब तक अपने चेहरे पर एक अच्छी माँ होने का मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन जब तान्या ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो उनका मुखौटा उनके चेहरे पर से उतर गया। उन्होंने समायरा को देख उसे सामने से हटाते हुए कहा, तुम बीच में ना आओ यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम यहाँ क्यों हो उस पर ध्यान दो, तुम्हें मेरी बेटी और मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उन्होंने समायरा को धक्का दे दिया। समायरा फ्लोर पर जाकर गिर गई। तान्या अपनी मम्मी को देख रही थी जो अब पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो अपनी मम्मी को देखते हुए उनके साथ आगे चली जा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो बार बार अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माधुरी जी अपनी पकड़ कसती जा रही थी। माधुरी जी अभी हॉल में आई थी कि तभी एक दमदार आवाज हॉल में गूंज उठी, जिसे सुन सब जहां थे वहीं जम गए। माधुरी जी भी रुक चुकी थी। माधुरी जी ने पीछे देखा तो पीछे आयन हरी आंखों में गुस्सा भरे उन्हें ही देख रहा था। आयन ने सीढ़ियों से उतरते हुए उनके नाम को ही पुकारा था, जिसे सुन सब डर के मारे जम से गए। समायरा भी गिरने के बाद खुद को संभालते हुए तान्या को बचाने के लिए उन दोनों के पीछे पीछे बाहर आ रही थी। ने जब आयन को इतने गुस्से में देखा तो वो परेशान हो गई। आयन गुस्से से नीचे आता हुआ बोला, माधुरी जी आप मेरी बहन का हाथ छोड़ दीजिए, वरना मैं अब ये भी भूल जाऊंगा कि आप एक औरत हैं। माधुरी जी अपने डर को छुपाते हुए बोली, मैं मेरी बेटी को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अभी इतना ही कह रही थी कि तान्या ने अपने हाथ को जोर से झटक कर अपना हाथ उनके हाथों से अलग कर लिया और भागकर अपने भाई आयन के गले लग गई। आयन जो अब तक हॉल में आ चुका था, उसने तान्या को अपने गले से लगाकर कहा, राजकुमारी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो तान्या को लेकर सोफे पर बैठ गया। आयन के बैठते ही उसके पीछे उसका असिस्टेंट आकर खड़ा हो गया। वो दोनों बॉडीगार्ड भी आयन के साथ ऊपर से नीचे आ रहे थे, जिन्होंने तान्या के पापा को चेक किया था। आयन ने उन दोनों को इशारा करके वहाँ से भेज दिया। अब हॉल में एकदम शांति पसरी हुई थी। आयन की नजरें गुस्से से अब भी आग ही उगल रही थी। माधुरी जी तान्या को देखते हुए बोली, तुम उठो वहाँ से और चलो, और आयन बाबा आप मेरे साथ तान्या को जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। जानते हैं ना पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है इसे ढूंढने में, वो भी विक्रम राठौड़ के कहने पर, तो बेहतर होगा आप मेरी बेटी को छोड़ दे और हमें यहाँ से जाने दे। आयन कुछ बोलता उससे पहले ही वो दोनों बॉडीगार्ड तान्या के पापा को वहाँ लेकर आ गई। माधुरी जी अपने पति को देख उनके पास आ गई। उनके शरीर पर काफी सारे घाव झलक रहे थे, जिसे देख माधुरी जी को चिंता होने लगी। आयन ने कुछ भी बोलने से पहले समायरा को देखते हुए कहा, समायरा इधर आकर तान्या को संभालो। समायरा जो एकटक सामने होती बातों को सुन और समझ रही थी, वो आयन के बोलने पर एकदम से होश में आई और जल्दी से उठकर उसके पास आकर बैठ गई। आयन ने तान्या के माथे को चूमा और कहा, राजकुमारी तुम बिना डरे समायरा के साथ यहीं बैठो, मुझे इन सबको उनकी सही जगह दिखानी है। इतना कहकर वो उठने को हुआ तो तान्या बोली, भाई आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया। आयन तान्या को देखते हुए बोला, मैं बस तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता था। तुमने जब सुबह अपनी मम्मी को नहीं देखा और इतनी निराश हो गई, तो मैं नहीं चाहता था कि सच जानकर तुम्हें कोई भी दुख हो, लेकिन जब तुम खुद मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे लिए अब ये लोग मायने नहीं रखते हैं। अब इन्हें इनकी हर गलती की सजा दी जाएगी। तुम बिना डरे यहाँ बैठो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आयन के बोलने पर तान्या के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान खिल गई। अभी भी तान्या के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो अभी पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि आयन अभी पहले उन सबको उनकी सही जगह दिखाना चाहता है। समायरा तान्या का हाथ थामे बैठी थी, क्योंकि ये सब उसके लिए भी काफी अलग था और एकदम नया भी। आयन अब माधुरी जी और उनके पति के सामने आकर खड़ा हो गया। माधुरी जी और उनके पति दोनों इस समय डरे हुए थे। माधुरी जी आयन के बारे में सब कुछ जानती थी, वहीं उनके पति ने अभी कुछ पलों में ही सब कुछ काफी अच्छे से महसूस और समझ लिया था, जिसके चलते वो डर रहे थे। आयन उन्हें देखते हुए बोला, आप क्या करना चाहते थे? वो मैं अच्छे से समझ चुका था, बस देखना चाहता था कि आप कैसे क्या करेंगे। इतना बोल वो गौर से उन्हें देखने लगे। तान्या के पापा प्रवीण जी ने आयन की बात सुन अपना सर नीचे झुका लिया था। वहीं आयन उन्हें गौर से देखते हुए उस समय के बारे में सोचने लगा, जिस समय वो गुस्से से अपने उस कमरे में गया था। फ्लैशबैक। आयन अपने कमरे में बैठा काफी कुछ सोच रहा था। उसे बस इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि अगर तान्या ने सच जाना तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो सच बताकर उसे माधुरी जी की ममता से दूर कर देगा? भले ही उन्होंने गलत किया था, लेकिन आयन को ये पता था कि तान्या अपनी मम्मी से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो तान्या को वापस कोई दुख नहीं दे सकता था। तान्या अब जिसे भी अपने साथ और पास रखना चाहती थी वो रख सकती थी। आयन उसकी खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के बारे में सोच रहा था। अब उसे कुछ ऐसा करना था जिसे सब सही भी हो जाता और तान्या को किसी बात का सदमा या दर्द भी महसूस ना होता। वो अभी सोच ही रहा था कि कमरे में असिस्टेंट हड़बड़ाता हुआ आया। आयन असिस्टेंट के ऐसे आने पर अचानक से आंखें खोलकर उसे देखने लगा। उसकी हरी आंखें गुस्सा उगल रही थी। असिस्टेंट गहरी सांस के साथ अपने डर को साइड करते हुए आयन को ना जाने एक ही सांस में क्या कह गया, जिसे सुन आयन की आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको उनकी हर गलती का इनाम जरूर मिलेगा और ये इनाम इतना कीमती होगा कि सबकी रूह तक कांप जाएगी। उन सब ने मिलकर मेरी बहन के साथ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आयन को देख असिस्टेंट भी डर से कांपने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसका बॉस उन सबके साथ क्या करने वाला था। आयन कुछ और बोलता उससे पहले ही कमरे में वो दो बॉडीगार्ड आ गए, जिन्होंने उस प्रवीण जी को अच्छे से चेक करने के लिए भेजा था।
दोनों बॉडीगार्ड आयन के सामने आकर खड़े हो गए। आयन ने उन दोनों को देख बात कहने का इशारा किया तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से बोला, सर आपने सही कहा था, मिस्टर प्रवीण जी कुछ छुपा रहे थे और वो है ये बटन वाला कैमरा। बॉडीगार्ड की बात सुन आयन बोला, कहाँ है वो? बॉडीगार्ड ने कैमरे को टेबल पर रख दिया। आयन ने असिस्टेंट को इशारा कर उसे चलाने को कहा। उसे चलाने पर उसमें वो रिकॉर्डिंग थी जिसमें आयन प्रवीण जी के सामने बैठा उनसे बात करने गया था। आयन ने रिकॉर्डिंग देखने के बाद कहा, पता किया कि क्यों वो ये कैमरा लेकर यहाँ आए थे, ये जानते हुए भी कि ये बात हमें पता चलने पर उन्हें सजा मिल सकती थी। बॉडीगार्ड बोला, सर उन्होंने कहा कि वो जब यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने पहले अपने बेटे से बात की थी, उनके बेटे ने ही उन्हें ये आइडिया दिया था कि वो यहाँ आने से पहले अपनी शर्ट के बटन में कैमरा लगा ले। आयन बॉडीगार्ड की बात सुन कुछ पल सोचने के बाद बोला, अब इस घर में उन दो कमरों की तैयारी करो, सबको सजा देने का समय आ गया है। आयन इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और कमरे में बचे वो तीनों लोग डर से कांप गए। फ्लैशबैक एंड। आयन ये सब सोचते हुए सामने खड़े लोगों को देख रहा था। माधुरी जी बोली, आयन बाबा मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि आप जैसे अब तक अपनी बहन से अनजान थे अब भी वैसे ही रहिए। वैसे भी आपको इतने सालों बाद इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तक तो आपने ये यकीन कर लिया होगा कि ये मर गई है, तो आप इसे हमें वापस दे दीजिए। माधुरी जी की बात सुन आयन की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो माधुरी जी को तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसने प्रवीण जी के गले को दबाते हुए कहा, अगर अगली बार मेरी बहन के बारे में आप लोगों के मुंह से उसका नाम भी सुना या आप सबने उसके बारे में कुछ भी सोचा तो इनकी मौत की जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना कहकर उसने प्रवीण जी को छोड़ दिया तो वो एकदम से अपनी सांसों को तेज तेज लेते हुए लगातार खांस रहे थे। आयन क्या सजा देने वाला था? ऐसा भी क्या कहा था असिस्टेंट ने जिसे सुन आयन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्या अंकित यहाँ होती चीजों के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरी हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे भारती के साथ। वरुण का घर सिंगापुर। मीटिंग कैंसिल होने के बाद सब लोग वरुण के घर आ चुके थे। हिरेन जी किसी काम के सिलसिले से वहीं रुक गए थे। वरुण ने काका से कहकर सबके लिए पानी मंगवाया। सब शांत बैठे थे तभी तन्वी के फोन पर किसी का कॉल आने लगा, जिसके चलते सबकी नजर तन्वी पर चली गई। तन्वी ने एक्सक्यूज मी कहकर एक कोने में जाकर फोन उठाना ही ठीक समझा, मानव तन्वी को एक ही टक देख रहा था। इतने में काका भी टेबल पर पानी और चाय कॉफी रखकर जा चुके थे। तन्वी ने फोन कान पर लगाया तो उधर से विक्रम जी बोले, तन्वी तन्वी बेटा उधर सब ठीक तो है ना? तन्वी मुस्कुरा कर बोली, जी अंकल इधर सब ठीक है, आप कैसे हैं और आपके उधर सब कैसा चल रहा है? विक्रम जी परेशान होकर बोले, हाँ बेटा यहाँ सब ठीक है, वो मानव कहाँ है? मैं ना जाने कब से उसका कॉल ट्राई कर रहा हूँ, पर वो लड़का है कि फोन ही नहीं उठा रहा। ऊपर से पहले फोन पर रिंग तो जा रही थी, अब तो फोन काफी समय से स्विच ऑफ बता रहा है। तुम तो उसके पास ही होगी ना, तो बताओ कैसा है वो और क्या हुआ है? विक्रम जी की बात सुन तन्वी मुस्कुरा कर बोली, अंकल आप चिंता मत करिए, मैं हूँ मानव के साथ। और रहा फोन का सवाल, तो आज सुबह गलती से उसका फोन गिर गया था और गिरने के साथ टूट भी गया, जिसकी वजह से फोन स्विच ऑफ जा रहा होगा। तन्वी की बात सुन विक्रम जी नॉर्मली बोले, सही में तुम हो ना उसके साथ, और अब तो तुमसे बात भी हो गई है, इसलिए अब मैं शांत हूँ। अच्छा मीटिंग कब के फिक्स हुई है? मैं चाहता हूँ तुम दोनों वहाँ से जल्दी वापस आ जाओ। तन्वी विक्रम जी की बात सुन कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे क्या कहे, क्योंकि मीटिंग तो फिक्स हो चुकी थी लेकिन जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे वो होना अब नामुमकिन नजर आ रहा था। विक्रम जी आगे बोले, तुम दोनों वहाँ का पूरा काम करके आओगे और यहाँ का सारा काम मैं और अंकित कर लेंगे, फिर मैं जल्द ही अपनी इस खुशी को दुगना करके एक पार्टी रखूंगा जिसमें तुम्हारे और मानव के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज होगा। तन्वी विक्रम जी की आवाज में आती खुशी की खनक को बखूबी समझ रही थी, लेकिन वो अनजान बनते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंकल आप जानते हैं ना मुझे सरप्राइज कितने पसंद है, हम सब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। इतना कह तन्वी ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए फोन काट दिया। वो कुछ पल वहीं खड़ी सोचती रही, फिर वरुण और मानव के सामने जाकर बैठ गई। मानव एकटक तन्वी को ही देख रहा था। तन्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, अंकल काफी कुछ सोचकर बैठे हैं, लेकिन उनका कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि रूही गायब है। मानव तन्वी को ठीक करते हुए बोला, गलत, रूही गायब नहीं हुई है बल्कि वो खुद हमारी नजरों से छुप रही है। तन्वी चिढ़कर बोली, मानव वो हमसे क्यों छुपेगी, हम क्या यहाँ पर छुपन छुपाई खेलने आए हैं? तुम कुछ भी मत बोलो। मानव सोचते हुए बोला, तन्वी कुछ ऐसा है जो रूही हमसे छुपाना चाहती है। तन्वी मानव को देखकर बोली, मानव मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर वो खुद ही छुप रही है या अगर रूही यहाँ से ऐसे गायब हुई है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी, या वो कुछ हटकर प्लान कर रही है जो शायद तुम्हारे अगेंस्ट हो। तन्वी की बात सुन वरुण जो अब तक शांत बैठा था वो बोला,
तुम्हें क्या लगता है रूही अब कुछ ऐसा करने वाली है जो मानव के लिए बुरा होगा? ओ रियली? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो जबकि तुम लोगों ने मिलकर हर कदम पर उसके साथ बुरा किया था। मुझे तो रूही की चिंता हो रही है। रूही यहाँ से गई है या क्या हुआ है उसके साथ, इस बात का सच हमें अभी भी नहीं पता है। उसने बस एक मैसेज भेजा है जिससे ये भी प्रूफ नहीं होता कि वो मैसेज रूही ने खुद भेजा है या किसी के कहने पर उसने किया है। तुम जानती भी हो वो यहाँ से जल्द ये सब काम निपटाकर वापस जाना चाहती थी, और तुमने भी खुद देखा कि उसने हम सब से पीछे से पापा से बात कर मीटिंग भी खुद फिक्स कर ली थी, और वो अचानक से हम सब के बीच से गायब हो गई, और तुम यहाँ बैठकर ना जाने क्या क्या बोले जा रही हो। इतना कहने के बाद वरुण गुस्से से उठते हुए मानव को देख कर बोला, याद रखना अगर रूही के साथ कुछ गलत हुआ या वो कोई मुसीबत में हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा कि तन्वी उठकर गुस्से में बोली, अगर तुम्हें तुम्हारी रूही की इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम अपने कमरे में जाने के बदले जाओ ना, जाकर ढूंढो उसे, और आइंदा मेरी और मानव की बातों के बीच में बोलने की हिम्मत भी मत करना। हमारी मर्जी हम किसके बारे में क्या बात करें, तुम कोई नहीं होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। वरुण तन्वी की बात सुन गुस्से से अपने कमरे में चला गया। उसे तन्वी को जवाब तो देना था लेकिन वो फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मानव लगातार दोनों को देख रहा था। वरुण के जाने के बाद वो तन्वी को देखने लगा जो अब भी गुस्से में भड़की हुई थी। मानव ने तन्वी के सामने पानी का ग्लास करते हुए कहा, ये ले पानी पी और अपने गुस्से को शांत कर, और वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे कब से ये गुस्सा आने लगा, तू तो हर बार शांत ही रहती थी ना। तन्वी एक ही सांस में पानी पीने के बाद बोली, पागल कर दिया है इसने, आते जाते हर समय बस रूही 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 ना हुई इसकी सांस लेने की मशीन हो गई। जानती हूँ वो गई है यहाँ से या जो कुछ भी हुआ हो, पर उसमें हमारी क्या गलती है, ना जाने कब से बस उसकी रट लगाकर बैठा हुआ है। अगर इतना ही था इसे तो उसके साथ ही गायब हो जाता। अब तू बता, तू कब से इतना शांत होने लग गया है, वो हर बार बस रूही के बारे में सोचता रहता है और तुझे जलन नहीं होती। तू तो रूही से दीवारों जैसा प्यार करता है ना, फिर भी तू उसका इतना नाम नहीं लेता जितना ये लेता है। तन्वी की बात सुन मानव गौर से उसे देखते हुए बोला, तू मेरी छोड़ और अपनी बता, तुझे क्यों परेशानी हो रही है वरुण के बार बार रूही के नाम लेने पर। मैं देख रहा हूँ तब से, जब जब वरुण रूही की चिंता करते हुए अपने पापा से बात कर रहा था तब तब तू उससे गुस्से से ही देख रही थी। तुझे कहीं जलन तो नहीं हो रही ना उससे, मतलब समझ रही है ना तू, कहीं तुझे उससे प्यार व्यार। मानव बोल ही रहा था कि तन्वी सोफे पर रखा कुशन उठाकर मानव की तरफ फेंकते हुए बोली, तू अब ज्यादा मत बोल समझा ना, और तू जानता है कि अब तक कोई ऐसा लड़का पैदा नहीं हुआ जो मेरे लिए बना हो, तो अपनी इस बकवास को अपने पास रख नहीं तो मैं अब तेरा सर फोड़ दूंगी। मानव अब भी तन्वी के मजे लेते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या, तो तू बता तू क्यों बेमतलब में अभी वरुण पर इतना गुस्सा कर रही थी, उसने ऐसा भी क्या कर दिया, बल्कि उसने जो कहा वो सही ही तो था, गलत क्या बोला उसने। तन्वी मानव की बात सुन एक पल के लिए सकपका गई लेकिन अगले ही पल वो बोली, देख मानव पहले ही अंकल ने तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब कर दिया है, और जब वरुण ने इतना सब कहा तो बस मुझे गुस्सा आ गया और मैं इतना सब बोल गई, लेकिन अब तू है कि उस बात को ना जाने क्या ही नया एंगल दे रहा है, अब अगर तूने ऐसा कुछ बोला ना तो मैं सच में तेरा सर फोड़ दूंगी। मानव शांत होकर बोला, अच्छा ठीक है चल अब कुछ नहीं बोलता, अब बता पापा ने क्या बोला है तुझे। तन्वी ने गहरी सांस भरकर बोला, अंकल अंकित के साथ मिलकर वहाँ का सारा काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, और उन्होंने हमसे कहा है कि हम भी यहाँ का काम जल्दी पूरा करके वापस इंडिया लौट जाएं, जिससे वो। इतना बोल तन्वी चुप हो गई। मानव बोला, बोलना आगे अचानक से रुक क्यों गई, जिससे वो क्या। तन्वी गुस्से से बोली, क्या बोलूं तू ही बता दे, वहाँ अंकल हमारे वापस लौटने पर हमारी एंगेजमेंट पार्टी रखने वाले हैं, सुन लिया, जिससे वो हमें एक बंधन में बांध सके। तन्वी की बात सुन मानव चौंक कर बोला, क्या ये तू क्या बोल रही है, पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या पापा ने तुझे ये सब खुद कहा कि वो हमारे लौटने पर एंगेजमेंट पार्टी करने वाले हैं। तन्वी चिढ़ कर बोली, नहीं अंकल ने इनडायरेक्टली बोला, अब मुझे ना टेंशन हो रही है, ऊपर से रूही भी गायब है, तूने सोचा है तू अंकल से क्या बोलेगा और उन्हें ये सब करने से कैसे रोकेगा। सच में मानव मैं एक बार फिर तेरी वजह से फंस चुकी हूँ। इतना कह उसने एक कुशन फिर से मानव पर फेंक दिया। तन्वी की बात सुन मानव चुप हो गया, वो बोलता भी तो क्या जब उसने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, और वो सोचता भी कैसे, अब उसे क्या पता था कि उसके पापा ऐसे भी कुछ करने का सोच सकते थे, या रूही अचानक से ऐसे ही कहीं गायब हो जाएगी, सब कुछ अब उसके हाथ से भी शायद फिसलने लगा था। मानव कुछ पल सोचते हुए बोला, तू चिंता मत कर, अब जब भी पापा का फोन आए तो तू बोल देना कि अभी तक मीटिंग की डेट ही नहीं मिली है हमें, तो हम लोग वापस कैसे आ सकते हैं। तन्वी चिढ़ कर बोली, और कब तक मैं ये झूठ अंकल से बोलती रहूंगी। मानव बोला, जब तक हम लोग रूही तक नहीं पहुंच जाते या रूही हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक तुम्हें यही करना होगा। तन्वी उठते हुए बोली, पता नहीं मानव तू और रूही क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सोचा भी है तूने अभी क्या बोला है, अगर वो काफी टाइम तक नहीं आई तो तू क्या उसके इंतजार में यही बैठा रहेगा, और मैं बस ऐसे ही हर पल अंकल से झूठ बोलती रहूंगी। हा? और जरूरी नहीं है कि जो वरुण बोलकर गया वही सच हो सकता है वो सच में अपनी मर्जी से गई हो। तन्वी इतना सब बोल वहाँ से चली गई। मानव तन्वी की सारी बात सुन चुका था
वो अपने आप से बोला, तन्वी जानता हूँ रूही के ऐसे गायब होने की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ से यूं ही अकेले तो नहीं जा सकता। मुझे किसी भी तरह रूही तक पहुँचना होगा और उसके बारे में पता लगाना होगा। इतना कह उसने रूही को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। रूही को गायब हुए अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मानव का दिल दर्द में डूबा जा रहा था। रात की प्यार भरी यादों के बाद ऐसी दूरी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे रह रहकर रूही पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती थी। वो अभी अपनी सोच में ही डूबा था कि तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। उसने देखा तो वो तन्वी का फोन था जो वो गुस्से में यहाँ छोड़कर जा चुकी थी। मानव ने कुछ पल उसे रिंग होने दिया इस उम्मीद में कि तन्वी आकर अपना फोन ले जाएगी, लेकिन जब तन्वी नहीं आई तो मानव ने गहरी सांस भरकर फोन उठाकर देखा तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। कोई नाम नहीं लिखा था तो मानव ने कुछ पल सोचा और फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उधर से एक आदमी की भारी आवाज आई, क्या मैं मिस्टर मानव राठौर से बात कर सकता हूँ? मानव तन्वी के फोन पर अपने लिए कॉल सुन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई उससे बात करने के लिए तन्वी के फोन पर फोन कैसे कर सकता था। मानव ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, बोलो, मैं मानव राठौर ही बोल रहा हूँ। आदमी बोला, सर आपका फोन ठीक हो गया है, क्या हम उसे आपके पास ला सकते हैं? उस आदमी की बात सुन मानव की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोला, जल्दी से फोन मेरे पास पहुंचा दो और पूछ कर लेना कि उन्होंने मेरे फोन का सारा डाटा वापस ला दिया है या नहीं। आदमी बोला, जी सर, फोन एकदम पहले जैसा हो गया है। मानव ने लाने का बोल फोन काट दिया और अब उसे बस अपने फोन को पाने की जल्दी हो रही थी। वो जानता था कि फोन उसके पास ही आ रहा है, लेकिन उससे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। क्या रूही वापस आएगी या मानव उस तक पहले ही खुद पहुंच जाएगा? क्या तन्वी और मानव सच में बहुत जल्द एक रिश्ते में बनने वाले थे? क्या है फोन में ऐसा जो मानव उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरी हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे भारती के साथ। मानव गेट के पास खड़ा अपने फोन आने का इंतजार कर रहा था। उसे याद था कि रूही ने यहाँ से जाने के काफी समय बाद वरुण को एक अननोन नंबर से मैसेज भेजा था, तो उसे विश्वास था कि जरूर उसने उसे भी कोई मैसेज भेजा होगा, लेकिन मानव ने उस टाइम अपना फोन तोड़ दिया था। पर अब उसका फोन सही होकर उसके पास आ रहा था। रूही के मैसेज को पढ़ने का इंतजार अब उससे नहीं हो रहा था। तभी उसके सामने एक बॉडीगार्ड आकर खड़ा हुआ। उसने मानव को फोन दिया और जाने को हुआ कि मानव सख्त आवाज में बोला, मेरे फोन का डाटा लीक नहीं होना चाहिए, जिसने मेरा फोन ठीक किया है उस पर नजर बनाए रखना अपनी। मानव की बात सुन बॉडीगार्ड ने कहा, सर हमने अपने दो लोग उसके पीछे लगा दिए हैं, अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया जिससे हमें उस पर डाउट जाए तो वो दोनों उसे तुरंत मार डालेंगे। मानव उसकी बात सुन कुछ सोच कर बोला, अब रूही का पता चला, कोई अपडेट? बॉडीगार्ड मानव की बात सुन डर गया, क्योंकि मानव की आवाज इस समय काफी सख्त थी, जैसे वो बिना धमकी दिए ही उसे धमका रहा हो। अगर रूही का पता तुम सबको जल्दी नहीं चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉडीगार्ड बोला, सर हम सब लोग लगे हुए हैं रूही मैम को ढूंढने में, हम बहुत जल्द सब कुछ पता लगाकर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मानव ने बॉडीगार्ड की बात को पूरा अनसुना करके अपने कदम घर के अंदर कर लिए। बॉडीगार्ड एक निराशा के साथ सर झुकाकर वहां से चला गया। मानव जब हॉल में वापस आया तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन वो फिर भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया जो वरुण ने उसे रहने के लिए दिया था। मानव अपने रूम को अंदर से लॉक कर अपने फोन में आए हर मैसेज को खोल खोल कर देखने लगा। इसी बीच एक मैसेज पर उसकी उंगली जम गई। उसकी आंखें बार बार ऊपर लिखी लाइन को ही पढ़ रही थी। मानव ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया और वो मैसेज ओपन कर पढ़ने लगा। मैं रूही, जानती हूँ तुमसे नफरत करती हूँ, पर फिर भी मैसेज कर रही हूँ। तुम्हें ये थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अब तो तुमने मेरा सब कुछ, मतलब सब कुछ पा ही लिया है, जिसमें मैं भी आती हूँ। यकीन मानो, अगर तुम मेरा प्यार होते तो चाहे कुछ भी हो जाता, मैं ऐसे गायब नहीं होती, लेकिन तुम मेरा प्यार नहीं हो। मेरा मन था सुबह सुबह तुम्हें हर दर्द की सजा दूं जो तुमने मुझे हर पल दिया, लेकिन वो कम होता क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। फिलहाल तो तुम मेरे ना होने की तड़प महसूस करो, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आऊंगी अपना बदला लेने। मैसेज पढ़ने के बाद मानव ने गुस्से से अपनी आंखें मीच ली। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों रूही उसे छोड़ कर गई। अगर उसे सजा ही देनी थी तो सामने से देती, लेकिन ये दूरी की तड़प मानव को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कुछ पल सोचने के बाद अपने फोन से उस नंबर पर कॉल लगा दिया। कमाल की बात तो ये थी कि फोन रिंग हो रहा था। मानव ने अपनी मुट्ठी कसी हुई थी तभी फोन उस तरफ से उठा लिया गया। दोनों तरफ से लोग फोन पर थे, लेकिन दोनों तरफ ही शांति पसरी हुई थी। काफी देर एक दूसरे की सांसों को महसूस करने के बाद मानव सख्त आवाज में बोला, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती, जहाँ भी हो वापस आ जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। उधर से रूही बोली, मिस्टर राठौर, ना मैं आज आपकी कोई पर्सनल असिस्टेंट हूँ और ना ही आज से आप मेरे बॉस, और रहा सवाल सामने आने का, तो वो मैं सही समय पर आ जाऊंगी।
मानव गुस्से से चीखा, रूही देखो तुम मुझे पागल कर रही हो। अगर मैं अपने असली चेहरे के साथ तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम समझना क्यों नहीं चाहती कि तुम मेरी हो? रूही शांत भाव से बोली, मानव तुम्हें मेरा जिस्म पसंद आया, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं अब हर रोज तुम्हारे साथ। रूही बोल ही रही थी कि मानव चीख कर बोला, मिस रूही प्रताप अपनी जबान को लगाम लगा कर रखो, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो आज उसकी कब्र खुदी होती। तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरे प्यार का फायदा उठाने से अच्छा मेरे पास लौट आओ, नहीं तो मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे सामने लाना है। रूही अब भी बिना किसी भाव के बोली, अच्छा लगा तुम्हें यूं तड़पते हुए देखकर। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, मैं अब अपनी मर्जी से ही तुम्हारे सामने आऊंगी। और याद रखना, जिस दिन मैं सामने आई तुम उस दिन सोचोगे कि मैं वापस ही क्यों आई। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर राठौर। इतना कहकर रूही ने फोन काट दिया। मानव ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गाल पर लुढ़क कर उसका अंदर तक टूटना दिखा रहा था। मानव ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकने के लिए अपने चेहरे को ऊपर कर पीछे की तरफ लटका लिया, जिससे आंसू नीचे ना आ सके। उसने कहा, अब तुम असली मानव राठौर से मिलोगी, जो तुम्हें बेसब्री से अपना बनाना जानता है। अब तक मैं सबकी वजह से चुप था, लेकिन अब हर प्यादे को मैं अपनी मर्जी से चलने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब मैं गेम को एंड में नहीं अभी से ही पलटना शुरू कर दूंगा। इतना कहे उसने किसी को कॉल लगाकर कुछ समझा दिया। वहीं रूही इस समय सुबह वाले कॉल के बाद कुछ बड़ा करने का सोच वहां से चली तो गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे कहां जाना था। उसने सारा प्लान कर लिया था, लेकिन अभी काफी समय था उसके पास, जिसके चलते उसने सबकी नजरों से अपने आप को छुपाने के लिए वाटरफॉल एवियरी के पास रहने का फैसला किया। वो अभी इसी जगह बैठी नम आंखों से बहते पानी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी ठीक वैसे ही बह रहा था, जैसे उसकी आंखों से आंसू बाहर बहने के लिए मचल रहे थे। लेकिन रूही ने खुद को सख्त बनाकर उन्हें अंदर ही कहीं रोक लिया। कल रात जो उसने मानव के साथ प्यार भरी रात गुजारी थी, उसके बाद से वो खुद मानव के लिए महसूस करते प्यार में और भी ज्यादा डूबने लगी थी, क्योंकि कल रात मानव ने नशे में उसे अपने प्यार का एहसास करवाया था, जिससे वो समझ चुकी थी कि मानव बस उसका ही है। लेकिन वो अपने साथ हुए धोखे को कैसे भूल सकती थी? कैसे वो ये भूल सकती थी कि आज रूहान और सुमन जी उससे दूर थे? इस धोखे की वजह से उसने कितना कुछ खो दिया था। क्या वो बस प्यार के लिए अपने साथ हुआ इतना सब भूल सकती थी? बिल्कुल नहीं। वो अपना प्यार, अपने एहसास सब मार सकती थी, लेकिन धोखा वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। रूही ने अपने मन को मजबूत बनाकर समय देखा और उस फोन को वहीं किसी झाड़ियों में फेंक कर अपने सफर पर निकल पड़ी। इंडिया राठौर कंपनी। अंकित अपने केबिन में चहलकदमी कर रहा था। इस समय उसका ध्यान किसी भी चीज पर नहीं लग रहा था, उसका ध्यान बस अपने फोन पर था। उसे इंतजार था तो बस अपने पापा के फोन का, लेकिन काफी समय बीतने के बाद जब फोन नहीं आया तो उसे गुस्सा आने लगा था। उसने अपने आप को शांत रखने के लिए अपनी आंखें बंद की और शांत सा चेयर पर सर टिकाकर बैठ गया। उसे बैठे हुए अभी कुछ ही समय बीते होंगे कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने बंद आंखों से ही बाहर खड़े इंसान को अंदर आने को कहा। अंकित की आंखें अब भी बंद थी। वो इतना तो समझ गया था कि जो इंसान गेट पर खड़ा था वो इस समय उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसने बंद आंखों से ही कहा, बोलो यहाँ क्यों आए हो? अंकित को लगा कोई एम्प्लॉय होगा। तभी उसके कानों में विक्रम राठौर की आवाज आई। विक्रम राठौर सामने की चेयर पर बैठते हुए बोले, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम अभी ठीक हो। विक्रम राठौर की आवाज सुन अंकित चौंक कर झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने विक्रम जी से कहा, अब सर आप यहाँ, आप मुझे बुला लेते मैं आपके केबिन में आ जाता। विक्रम जी बोले, मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलते हुए कुछ जरूरी बात कर लूं, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर लगता नहीं है कि तुम अभी कोई काम कर सकते हो। अंकित जल्दी से बोला, अब सर आप बताइए ना क्या काम था आपको मुझसे, मैं सब कुछ कर दूंगा। विक्रम जी गौर से अंकित को देखते हुए बोले, जानता हूँ तुम अपनी परेशानी छुपा कर मेरे लिए काम कर दोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। अंकित विक्रम जी से बोला, अंकल मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को कभी एक साथ नहीं आने देता, और वैसे भी आपने मेरी बहन को ढूंढने के लिए इतनी सारी पुलिस लगा ही रखी है, तो भला मुझे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये सब छोड़िए, ये सब मैनेज हो जाएगा, पर पहले ये बताइए कि आप यहाँ किस काम के सिलसिले में बात करने आए हैं। विक्रम जी अपनी बात कहते हुए बोले, मुझे तुमसे प्रताप कंपनी के बारे में जानना था। अंकित अपने काम वाले मोड में आते हुए बोला, अब सर आपने जैसा कहा था कि प्रताप कंपनी की जितनी भी डील को रूही के साथ किया गया था उन सबको मानव के साथ करते हुए राठौर कंपनी से जोड़ना है। सर इस काम के सभी पेपर्स आपके कहे अनुसार मैंने सही टाइम पर रेडी कर लिए थे, लेकिन रूही ने किसी भी पेपर्स पर अब तक साइन नहीं किया और न ही मानव सर ने। जब तक वो दोनों इन पेपर्स पर साइन नहीं कर देते तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी सीरियस होकर बोले,
मैंने बोल दिया है उन लोगों को, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। उस लड़की के आते ही तुम बिना कोई पल गवाए उससे हर पेपर्स पर साइन ले लेना, क्योंकि वो लड़की बहुत शातिर है। वो भले ही अभी कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन उसके अंदर रुद्र प्रताप का खून बहता है, जो एंड टाइम में बासी पलटना बखूबी जानता है। कहीं ये लड़की भी कुछ ऐसा ही ना कर दे, अंकित विक्रम जी को विश्वास दिलाते हुए बोला। सर आप यकीन मानिए, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। भले ही वो बिजनेस वर्ल्ड मिस्टर रुद्र प्रताप की बेटी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके अंदर उनके जैसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता तो अब तक वो अपनी कंपनी हमसे वापस हथिया चुकी होती। विक्रम जी उठते हुए बोले, जब तुमने सारा काम कर ही लिया है तो तुम अब कुछ दिन सच में छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो। मैं एसपी से एक बार और बात कर जल्द से जल्द तुम्हारी बहन को वापस लाने के लिए कहूंगा। अंकित ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत ही रहा। विक्रम जी उठकर केबिन से बाहर चले गए। अंकित सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया तो सामने से एक आदमी बोला। वो वही डिटेक्टिव बोल रहा था जिसे अंकित ने तान्या को ढूंढने के लिए हायर किया था। डिटेक्टिव बोला, सर आपका शक सही निकला। आपके मम्मी पापा इस समय दुनिया के जाने माने मिस्टर गिल के घर पर ही हैं। मैं काफी टाइम से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब तक वो दोनों बाहर नहीं निकले हैं। डिटेक्टिव की बात सुन अंकित ने अपनी आंखें बंद कर अपने आप से कहा, ना जाने सब कोई मेरे प्लान को ही फ्लॉप करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी एक दूसरे में इस कदर उलझ जाओगी कि मैं सब कुछ करके निकल जाऊंगा। इतना सोच उसने चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखेरकर डिटेक्टिव से कहा, नजर बनाए रखो कौन वहाँ से बाहर निकल रहा है और कौन वहाँ अंदर ही रुका हुआ है। डिटेक्टिव परेशान होकर बोला, सर अंदर का पता लगाना काफी मुश्किल है। इधर आगे की तरफ बड़े बड़े और दूर तक फैले बागीचे बनाए गए हैं। साथ ही मिस्टर गिल का विला पीछे की तरफ और उनके घर के आगे काफी लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए दूर से अंदर झांकना मुश्किल है और पास जा नहीं सकते क्योंकि हर थोड़ी दूरी पर बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। अंकित कुछ सोच कर बोला, तुम वहीं खड़े रहो और वहाँ रहकर आसपास का सब कुछ पता करो, क्या पता कुछ पता चल जाए। बाकी मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। डिटेक्टिव सोच कर बोला, अब सर फिर आपकी बहन उनका क्या। अंकित डिटेक्टिव की बात सुनकर बोला, तुम्हें अभी जो काम दिया है तुम उस पर ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। और हाँ, ये काम सही से होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अंकित ने फोन काट दिया। कौन है मानव और वो किस पावर की बात कर रहा है? क्या करने वाली है रूही? क्या विक्रम राठौर अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? क्या अंकित तान्या तक पहुंच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरी हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर आरजे भारती के साथ। अंकित फोन काटकर वापस किसी सोच में गुम हो गया। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना था, लेकिन उससे पहले उसे वापस से मानव और विक्रम राठौर के साइन उन पेपर्स पर चाहिए थे, जिससे वो उनकी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता था। उसने सोचते हुए कहा, अब सही समय है मानव से साइन लेने का। अंकल से तो मैं आज या कल में उन पेपर्स पर साइन ले ही लूंगा, और रहा सवाल मानव का तो वो मैं रूही वाले पेपर्स के बीच में रख दूंगा, जिससे वो पेपर्स रीड ना करके मेरा काम पूरा करते। ये सोचकर वो अपने काम पर लग गया। वही वो डिटेक्टिव अभी अपने काम पर ध्यान दे रहा था, हालांकि उसका काम बस पता लगाना था, ना कि किसी के पीछे लगे रहना। लेकिन उसने अंकित से एडवांस में पैसे लेकर अब तक तान्या का पता नहीं लगाया था, जिसके चलते आज ही अंकित ने सुबह उसे फोन कर उसके मम्मी पापा के ऊपर नजर रखने का काम सौंप दिया। वो ये तो करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसे तान्या का कहीं भी कोई नामो निशान अब तक नहीं मिला, जिसके चलते वो समझ गया कि ये काम उससे होना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन वो अब पैसे वापस भी नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अंकित के इस काम के लिए तुरंत हामी भर दी। वो अभी पूरे घर को दूर से देख ही रहा था कि उसकी नजर एक कोने में खड़े किसी इंसान पर गई। उसे देख वो इतना तो समझ गया था कि ये भी यहाँ चोरी छुपे ही आया होगा, लेकिन वजह क्या होगी अब ये जानना जरूरी था। डिटेक्टिव बिना कोई आवाज किए पीछे से उस आदमी को दबोचते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ चोरी चोरी क्या देख रहे हो? डिटेक्टिव की ऐसे पकड़ने से वो आदमी सकपका गया। उसने उससे अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मैम ने भेजा है। वो इतना बोल जैसे ही पलटा सामने खड़े इंसान को देख चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिटेक्टिव सामने खड़े इंसान को देख चौंकता हुआ बोला, तुम यहाँ किसकी जासूसी करने आए हो? वो आदमी बोला, पहले तुम बताओ तुम मिस्टर गिल के घर के पास खड़े क्या कर रहे हो? डिटेक्टिव एक पल के लिए थोड़ा शांत रहा, फिर सामने वाले घर को देखते हुए बोला, और तुम प्रताप विला के सामने क्या कर रहे हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस कर कहा, अपना काम। इतना कहकर वो दोनों हंस पड़े। डिटेक्टिव बोला, मेरे बॉस ने मुझे मिस्टर गिल के घर पर नजर रखने को कहा है। आदमी बोला, और मेरी बॉस ने मुझे प्रताप विला पर। डिटेक्टिव बोला, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है ना अभी? आदमी विला को देखकर बोला, जानता हूँ कोई नहीं है, लेकिन मैम चाहती हैं कि इस विला पर नजर बनाए रखो और जब भी कोई यहाँ आए तो मैं उन्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दूँ। डिटेक्टिव सोचते हुए बोला, सही है, मेरा भी कुछ ऐसा ही काम है। चलो तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ।
इतना कहकर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस जाकर अपना काम करने लगे। गिलविला के अंदर आयन ने माधुरी जी और प्रवीण जी को धमकी देते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारे बेटे को उसकी औकात याद नहीं करवा देता तब तक तुम्हें यही बंदी बनाकर रखूंगा। तुम्हारा बेटा भी तो जाने कि उसने किसकी बहन को हाथ लगाने की कोशिश की है। माधुरी जी गुस्से से बोली, तुम जानते नहीं हो मेरे बेटे को, वो कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। तुम ये बात तो जानते हो ना कि उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या किया है। मुझे लगता है तुम्हें अब उसे डरना चाहिए। मेरा बेटा ऐसे ही इस तान्या को नहीं छोड़ सकता, जो आगे जाकर हमें सोने के अंडे देगी। मेरा बेटा कुछ करे उससे पहले ही तुम पीछे हट जाओ, और जो जो तुम्हें इस गिल नाम से मिल रहा है उसे पाकर खुशी बनाओ। माधुरी जी की बात पर आयन की आंखें एकदम गहरी हो चुकी थी। वहीं तान्या और समायरा एकटक माधुरी जी को देखे जा रही थी। तान्या कांपते शब्दों से पूछ बैठी, क्या आप जानती थी अंकित भाई मेरे साथ क्या क्या कर रहे थे? क्या आपको सब पहले से पता था? माधुरी जी हंसकर बोली, हाँ मुझे सब पता था। मेरे अंकित की नजर तो तेरे ऊपर तेरी जवानी से ही पड़ चुकी थी, लेकिन तू वो थी जो हमें आगे चलकर सोने के अंडे दे सकती थी। इसके चलते मैंने ही अब तक उसे रोक रखा था। पता नहीं उसने कब तेरे साथ ये करना शुरू कर दिया। अगर मुझे पता होता कि वो तेरी खूबसूरती में इतना पागल होकर इतनी बड़ी गलती कर देगा तो मैं तुझे हॉस्टल में डलवा देती। माधुरी जी की बात सुन तान्या धम से सोफे पर वापस बैठ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो अपनी मम्मी मानती थी वही उसके साथ ऐसा करेगी। माधुरी जी की एक एक बात सुन आयन की आंखें गहरी होने लगी। असिस्टेंट समझ चुका था कि अब इस पूरे परिवार को मरने से कोई नहीं रोक सकता था। कोई नहीं था जो इन तीनों को आयन से बचा सकता था। काफी देर की शांति के बाद प्रवीण जी बोले, तान्या अगर तुम चाहती हो कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहे तो तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारा भाई क्या कर सकता है ये भी तुम बेहतर तरह से जानती हो। समायरा सबकी बातें सुन आयन को देख रही थी, जो अपनी गहरी हरी आंखों से उन दोनों मियां बीवी को घूर रहा था। आयन को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता राक्षस बैठा हो, जो एक मिनट में सबको खत्म करने की हिम्मत रखता हो। और शायद समायरा जानती थी कि ये हिम्मत आयन में थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे बस उन सबको सुने जा रही थी। तान्या अब काफी हद तक सच जान चुकी थी। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप बता सकती हैं कि मेरे आपके साथ चलने पर आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है? तान्या की बात सुन माधुरी जी हंसते हुए बोली, ये हुई ना समझदारी वाली बात। तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम पूरे गिल रियासत की एक अकेली राजकुमारी हो जिसे उसके 23वें बर्थडे पार्टी पर उसका सब कुछ मिल जाएगा। बस हमें तुम्हारा वो सब चाहिए, फिर तुम हमारे क्या ही काम की रहोगी? तान्या उठते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि मेरी औकात आप लोगों से काफी बड़ी है। तभी तो आपने मेरे साथ इतना कुछ करने की हिम्मत नहीं की। मैं नहीं जानती कि मेरे मॉम डैड कैसे थे, लेकिन मैं अब मेरे भाई के साथ रहना चाहती हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग मुझसे दूर चले जाइए, और ये तो भूल ही जाइए कि आपको मेरा कुछ भी मिलेगा। तान्या की बात सुन माधुरी जी को काफी तेज गुस्सा आया, लेकिन वो उसे दबा कर हंसते हुए बोली, भाई? किसे भाई बोल रही हो तुम? उसे जो तुम्हारे पीछे चुपचाप बैठा है? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। माधुरी जी की बात पर आयन ने अपनी मुट्ठी जोर से कसते हुए कहा, माधुरी जी अगर आपने इस बारे में राजकुमारी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयन की बात सुन सब कोई माधुरी जी और आयन को ही देख रहे थे। प्रवीण जी तक माधुरी जी की बात सुनकर सोचने लगे कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है। माधुरी जी आयन को देखकर वापस हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तुम क्यों पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहे होंगे? तुम्हें भी उसकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए ना? आयन कुछ बोलता उससे पहले ही तान्या बोली, कैसी बात कर रही हैं आप? भैया को मेरी प्रॉपर्टी का क्या काम? जब इंसान की खुद की नियत में खोट होता है तो उसे सामने वाला भी वैसा ही नजर आता है। मैं नहीं मानती कि मेरे भाई ने कभी ऐसा सोचा भी होगा। माधुरी जी बोली, पहली बात तो तुम उसे भाई भाई बोलना बंद कर दो। ना जाने इसके अंदर किसका गंदा खून है जो तुम्हारे माँ बाप ने इसे अपने साथ हमेशा के लिए रखा हुआ था। ये तो गिल परिवार का भी नहीं है, तभी तो देखो कैसे गिल परिवार की रियासत पर कब्जा करके बैठा हुआ है। माधुरी जी की बात सुन सब सुन्न पड़ गए। आयन की आंखें गुस्से से बंद हो गई। तान्या तो हैरान रह गई, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। समायरा वो ये सब जानने के बाद भी बस आयन को ही देख रही थी। असिस्टेंट के लिए भी ये बात काफी शॉकिंग थी, वो एकटक आयन को देखे जा रहा था। माधुरी जी बोली, अब बहुत ड्रामा हो चुका, तुम मेरे साथ चल रही हो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। आयन सोनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो तान्या को रोकने की कोशिश करे। समायरा ने आगे बढ़कर तान्या का हाथ थाम लिया तो सब कोई चौंक गए। समायरा तान्या को अपने गले से लगाकर बोली, तान्या गहरी सांस लो तुम, मुझे लगता है अभी बहुत ऐसे सच हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो क्या तुम अपने भाई पर विश्वास ना करके अपनी मम्मी पर करोगी? तान्या समायरा के गले लग रोते हुए बोली, मैं भाई के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे इनके साथ नहीं जाना, लेकिन भाई वो तो मुझे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
तमारा तान्या के माथे को चूम कर बोली, पागल लड़की, वो इसलिए शांत है कि तुम एक बार उन पर विश्वास करके खुद उनका हाथ थामो तो देखना वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। समायरा की बात सुन तान्या की आंखों में चमक आ गई। माधुरी जी और प्रवीण जी उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, लेकिन तान्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों से अपने हाथों को छुड़ाया और जाकर अपने भाई आयन के गले लग गई। आयन ने अपनी राजकुमारी को अपनी बाहों में पकड़ लिया था। तान्या रोते हुए बोली, भाई आपने क्यों नहीं रोका मुझे? आयन उसे चुप करवाते हुए बोला, मुझे लगा शायद तुम ये सच जानकर मेरे साथ ना रहना पसंद करो। तान्या बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? आयन उसके माथे को चूम कर बोला, करता हूँ, तभी तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। प्रवीण जी तान्या के पास आकर बोले, अब तो तुम सच जानती हो कि ये तुम्हारा भाई तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, ये तो बस तुम्हारे पैसे चाहता है हमारी तरह। अब जब हमने तुम्हें इतना पाला है तो उसका कुछ तो इनाम हमें मिलना ही चाहिए ना। तान्या अपने भाई के गले लगे ही बोली, कोई बात नहीं, मेरे भाई ने अब तक संभाला है तो ये सब उनका ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तान्या की बात सुन माधुरी जी उस पर हाथ उठाते हुए बोली, तुम अपने आप को समझती क्या हो, चलो हमारे साथ। इतना कहे जैसे ही उनका हाथ तान्या को छूता उससे पहले ही आयन ने उनके हाथ को पकड़ गुस्से से झटक दिया, जिसकी वजह से माधुरी जी पीछे जमीन पर जा गिरी। आयन गुस्से से चीख कर बोला, अब तुम सबको तुम्हारे हर किए की सजा दी जाएगी। मैंने सोचा तुम सब चुप रहोगे तो तुम्हें बस बंद कर दिया जाएगा, लेकिन तुम सब दर्द चाहते हो ना, तो अब दर्द ही सही, तुम सबको आयन गिल अब दर्द देगा, वो भी अपनी तरह से। इतना कहकर उसने घूरकर अपने असिस्टेंट को देखा तो वो जल्दी से बॉडीगार्ड की मदद से उन दोनों पति पत्नी को वहाँ से ले गया। माधुरी जी लगातार जाते हुए चीख रही थी, अगर मेरे बेटे को पता चला कि तुमने हमारे साथ क्या किया है तो देखना वो तुम दोनों भाई बहन को छोड़ेगा नहीं। तान्या माधुरी जी की बात सुन काफी ज्यादा डर गई थी, उसने आयन को कसकर पकड़ लिया था। आयन प्यार से तान्या के बालों को सहलाकर बोला, राजकुमारी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मुझ पर यकीन रखो। तान्या बोली, भाई आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आयन बोला, कभी नहीं, अब तुम हर समय मेरी आंखों के सामने रहोगी। तान्या मुस्कुराकर आयन के गले लग गई। आयन ने तान्या को गले लगाकर समायरा की तरफ देखा जो लगातार उन दोनों को ही देख रही थी। आयन ने आंखों ही आंखों से उसे थैंक यू कहा तो समायरा रोते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। आयन ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर अपने दूसरे हाथ से उसे भी अपने गले से लगा लिया। समायरा यहाँ हुआ हंगामा देख ना जाने क्या सोचकर रो पड़ी, उसका रोना तान्या और आयन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। आयन लगातार समायरा को शांत करवाने की कोशिश करता रहा। तान्या भी प्यार से समायरा की पीठ को सहला रही थी। अभी कुछ देर पहले तक सबके सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने वाली समायरा अचानक से रो पड़ी, ये काफी अजीब था। इतने सारे राज बाहर आने के बाद अब ऐसा कौन सा राज था जो बाहर आना बाकी रह गया? क्या माधुरी जी ने आयन के बारे में जो कुछ कहा वो एकदम सच था या इसमें भी कई सारे राज दफन किए गए थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरी हो सिर्फ पॉकेट FM पर RJ भारती के साथ।